जो मोबाइल वाले एक मिनट सर, हम लोग सेटिंग कर ले पहले पहले हम सेटिंग कर ले। यार मोबाइल वाले आप थोड़ा पीछे हो जाओ यार, आप लोग जो है ना बात नहीं कर रहे ठीक पीछे पीछे दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि गुज़िश्ता एक दाई बल्कि दो दाइयों से बलूचिस्तान में आलत जंग भी चल रही है और लोग मर भी रहे हैं, लोग गायब भी हो रहे हैं, तो इस सब का नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है, जिसमें कुछ लोग कुछ सियासी लोगों के स्लोगन पर चलकर मारे गए, कुछ लोग पाकिस्तान का नाम लेकर मारे गए और फोर्सेस की नुकसान अपनी जगह हो गई, मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये तीनों तबके फिक्र के लोगों का जो मैंने ज़िक्र किया, ये मैं हमारे अपने भाई हैं, इनमें से कोई हमसे गैर नहीं है। इनमें से जब बलोची में एक कहावत है, कहते हैं कि घर जो है गिरे हुए होते हैं या पागलों के या लड़ने वालों के, तो लड़ाइयों में नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया बलूच कौम ने, बहुत ज़्यादा उठाया बलूचिस्तान ने, बहुत ज़्यादा उठाया। और हमारी ये दोस्त ये बहन ये भाई कई अरसे से अपने मामलात ज़िंदगी से ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ाने से रह गए और अपने लोगों के इंतज़ार में हैं। तो मैंने सबसे पहले जब ये मनसब संभाला तो मैं कल असम्बली इजलास थी, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आके इन भाइयों के साथ इन बहनों के साथ अपने मिलूं, ताकि इस मसले का जो नुकसान हो चुका है पहले हो चुका है, तो उस नुकसान हमारे दौर से पहले की हुई है और गुजरे हुए नुकसानों को शायद पूरा भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं आज आया हूँ इन दोस्तों के साथ अपील करने कि मैं बहैसियत वज़ीर दाखला आप लोगों की भी आप लोगों का भी बात सुनना, आप लोग का भी ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, जो आप लोग के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें भी सुनना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं एक ऐसा काम चाहता हूँ प्रैक्टिकली, सियासत नहीं, हमारे सारे लोग सियासत के शिकार हो गए, सियासत ना हो ईमानदारी हो। मैं अपने बहन भाइयों के साथ खड़े होकर आप लोग के साथ, मैं आप लोग के साथ ऐद कर रहा हूँ बलूची ऐद कि मैं ये काम कामयाब हो सकूँ नहीं हो सकूँ, मैं इसको ईमानदारी के साथ आगे ले जाऊँगा और अपने भाइयों से भी यही तवक्को रखूँगा कि हम जिधर भी फिगर्स को देखते हैं उनमें फ़र्क है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर इस तरह नहीं कि मैं इनको 5 साल कहता रहूँगा कि हम इस मसले को हल करेंगे। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि हफ्तों महीनों में मैं इन सब जो हमारे दुखी लोग हैं उनके दुखों का मुदावा हो सके। उसमें कुछ डेटा ऐसा भी आ रहा है कि बिल्कुल लोग लापता हैं, ये भी हकीकत है, और एक मुल्क हालत जंग में चल रही होती है, उसमें एजेंसियां 5-6 मुल्कों की काम करती हैं, तंजीमें काम करती हैं, बच्चे पहाड़ों पर जाते हैं। अभी इनको मुझे रियलिटीज़ तक पहुंचने में 1-2 महीना 3 महीना लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं यही तो रखूँगा कि ये भाई मेरे साथ, भाई मेरी बहनें मेरे साथ
बहन भाई की तरह तावन करेंगे और मैं इनके जो लापता अफराद हमारे इदारों के साथ हैं उनके लिए मैं इनके साथ इनके लिए बात करूंगा, इनके लिए मिन्नत करूंगा, इनके लिए लड़ूंगा। और अगर जो लोग जो इदारे हैं उनकी भी फैक्ट्स हैं उनको भी हमें सुनना पड़ता है, वो कहते हैं कि इस लिस्ट में जो लापता अफराद का लिस्ट है इसमें इंटेलिजेंस के ज़रिए पता चल रहा है कि कुछ बंदे ईरान में हैं, कुछ बंदे अफगानिस्तान में हैं, फिर उसका हमें वो सबूत भी मिल जाता है कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में कुछ बंद मारे भी गए। तो हम दो चीज़ अगर मेरे बहन भाई मेरे साथ दो चीज़ों पर तावन करें, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि जो नुकसान हुए हैं उनको तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, जो आगे वाला वक्त होगा उनमें मैं इसे बलोच इनके साथ अहद कर रहा हूँ, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। एक हम फैक्ट्स एंड फिगर पर चलें और एक हम अपनी रियासत के हम इस रियासत में रह रहे हैं उसके कानून के मुताबिक उसके तरीक़ेकार के मुताबिक चलेंगे तो हमारे रास्ते आसान होंगे और हम अपने बच्चों तक अपने प्यारों तक पहुंच सकेंगे। अगर हम इसको सियासत का बीन चढ़ाया कि हम इसको इधर आके लोग बात करते हैं कि लापता अफराद ये है लापता अफराद हैं, लेकिन मैंने जहां असम्बली में हूँ या जिधर हूँ किसी भी फोरम में किसी से ये अल्फाज नहीं सुने, तो खुदा रहा मेरा अपील है मेरे बहनों से मेरे भाइयों से कि दो तीन महीने सियासत को छोड़कर मेरा साथ दें, फिर मैं जहाँ तक कामयाब नहीं हुआ फिर इधर आकर मेरे खिलाफ़ भी नारा लगाए। मुझे इसी उम्मीद के साथ ये सब हमारा साथ देंगे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा इस हवाले से एक क्वेश्चन पहले करेंगे उसके बाद हम अपना मौके रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप अपने ज़ात की तरफ से आए या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से आए, आप हमें किस बुनियाद पर श्योरिटी दे रहे हैं? मैं ज़ाहिर है इस वक्त सूबाई हुकूमत का वज़ीर दाखिला हूँ, मैं जो भी बात करूँगा सूबाई हुकूमत के वज़ीर दाखिला की हैसियत से ही आपसे बात करूँगा। ठीक है, जिस तरह मोहतरम ने बात की के फिगर के हवाले से बात किया जा रहा है और इस मसले पे पॉलिटिक्स की जा रही है, तो हम जिस तरह मेरे ख्याल में मोहतरम के इल्म में भी होगा कि हमने सूबाई कैबिनेट से तकरीबन दो तीन मीटिंग्स भी की है, उसमें हमने सिर्फ यही डिमांड रखा है कि भाई हम सारे अभी लिस्टों को मिक्स भी नहीं करेंगे ताकि गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी नहीं हो और इदारों के लिए भी परेशानी नहीं हो। हमने तकरीबन 110 के करीब उन लोगों के लिस्ट हमने सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है, वो मुकम्मल प्रोफार्मा है जिसमें उनका पूरा बायोडाटा मौजूद है। ये वही लोग हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से हमारे तंजीम के साथ मुंसलिक है, सरापा एहतजाज है, और इनके लवाकिन अब गुज़िश्ता दो महीनों से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आके हमारे एहतजाज में उन्होंने शिरकत की है। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करेंगे। सादा सा हमारा मुतालबा है, 110 का फिगर हमने उनको दिया है, मेरे ख्याल में एक महीने से ज़्यादा भी इसको हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इस पे काम करेगी। दूसरी बात रही ये हम पे बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पॉलिटिक्स के हवाले से, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अफेक्टेड लोग हैं, हमारा ताल्लुक अफेक्टेड फैमिलियों से है, हमने ना आज तक सियासत की है इस मसले पे, तब से जब तक इस मसले को हम ले जा रहे हैं हम इस पे सियासत न की है, ना किसी को इस पर सियासत करने की इजाज़त दी है और ना हमारे प्लेटफार्म से किसी ने सियासत की है। हम अभी भी दावे से कहते हैं कि ना हमारे किसी के साथ सियासी वाबस्तगी है ना हमारी सियासी अज़ाम है। हमारा सादा सा मुतालबा है, लोगों का मुतालबा ये है अगर हमारे प्यारों पर इल्ज़ाम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप उनको अदालत में लाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर वो बेकसूर है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, अगर वो दौरान हरासत शहीद किए जा चुके हैं उनके हवाले से हमें बताया जाए, ये रियासत की अखलाकी जिम्मेदारी है और उनके आइनी तौर पर भी फ़र्ज़ बनता है ताकि लोग सालों से ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है ज़हनी अज़ियत से उनको निजात मिल सके।
دوسری بات محترم نے کی ہے کہ بہت سے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ایسے پروف ہے جو مسنگ پرسن کے لسٹ میں نام ہے, وہ ایران میں ہے, افغانستان میں ہے یا کہیں اور پہاڑوں پہ لڑ رہے. تو ہم اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں, جس طرح پہلے چینی کونسلیٹ پہ حملہ ہوا تو ہم حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے, وہاں پہ بات ہوا, وہاں پر ہمیں ایک پروفارما دکھایا گیا جس کا صرف نام عبد الرازق سے ملتا تھا, بقایا والد کا نام, علاقہ, اسپیکنگ علیحدہ تھا. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدارا یہ انسانی مسئلہ ہے, اس کو انسانی بنیادوں پہ دیکھا جائے, لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے. پھر ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ تحقیقات کرو, اگر واقعی یہ چیز ہے, اگر ہم پہ الزام آتا ہے ہم بالکل اس کو لینے کے لیے تیار ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی ہماری صوبائی گورنمنٹ نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی. انہوں کا وزیر داخلہ آ کے پریس کانفرنس کی, آپ صافی برادری کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ریاست کو بدنام کر رہے ہیں, یہ وہی بندہ ہے جو چینی کونسلیٹ میں مارا گیا. ہم نے پھر تحقیقات کی, تحقیقات میں پتہ چلا کہ عبدالرازق وہ خاران کا ہے, اس کے والد کا نام بھی علیحدہ ہے, اس کے خاندان نے اس کو آگ کیا ہے 2014 میں. تو اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی 2005 سے کیسز چل رہے ہیں. میں اپنا موقع واضح کر رہا ہوں صافی برادری کے سامنے کہ 2005 سے ہمارے کیسز چل رہے ہیں. ہم پہ الزام بھی یہ لگا رہا ہے کہ جو مسنگ پرسن کے لسٹ یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ باہر ہے. تو ہم آج تک اپنے اس موقف پہ قائم ہیں سپریم کورٹ کی سطح پر کہ ہمارے موقف کے خلاف ہم نے اداروں کو چیلنج کی کہ بھائی آپ ایک بندے کا ثبوت لا کے دے جو ہمارے کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, جن کے علاوہ کن پریس کلبوں کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو شکر الحمدللہ آج تک 2005 سے لے کر آج 2018 ختم ہونے والا ہے, آج تک ان اداروں نے ایک بھی کیس کے حوالے سے ایک بھی پروف سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ ہے, وہاں پر یہ کیسز چلے ہیں, جہاں پر سپریم کورٹ نے جوڈیشل انکوائری کروائی ہے, جہاں پر شواہد دیکھے گئے, جہاں پر ایسے بھی شواہد ملے ہیں گورنمنٹ کو جو باقاعدہ پولیس نے پرووائڈ کی ہے, جس کی فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایف سی گاڑیوں میں محمد خان مری اور مہران بلوچ کو ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مارا جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, اس کو اٹھا کے کینٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے, چیف جسٹس ان سے پوچھتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا انڈیا کا بارڈر ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو وہاں اس کے بعد سپریم کورٹ کی سطح پر اعلیٰ عدلیہ ہمارا, ہم اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں جہاں جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے وہاں سارے چیزیں ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ نے دو عبوری آرڈر جاری کیے کہ بھائی لوگوں کو اٹھانے میں, ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہیں. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم گزارش یہ کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس آئے گا, ہماری گزارش یہ ہے کہ ایماندارانہ طور پر, مخلصانہ طور پر, آج وہ دور نہیں ہے کہ ہم سورج کو ایک انگلی سے چھپائے, ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. ہمارے ادارے ان میں ملوث ہیں, ملکی سلامتی کے نام پر یہ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں. لہٰذا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو قانون کے دائرے میں حل کیا جائے, کیونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے. ہم اگر سمجھتے ہیں ہمارے پیروں پہ الزام ہے, ایک تو پاکستان کے آئین میں دیے گئے ان کے جو رائٹس ہیں ان سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے, دوسری یہ ہے کہ اگر وہ ملزم ہے ان کے پیچھے پورے ان کے گھرانہ ہے, ہمیں بتایا جائے کہ ان کے پورے گھرانے کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے, کس آئین میں لکھا ہوا ہے, کون سا مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے, یا آیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. میرے خیال میں نہیں دیتا. تو حق تو یہ ہے کہ بھائی جن پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں لاؤ. تو ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں سے, ہمارا تعاون رہا ہے, جب جب ہمیں بلایا گیا ہے, جہاں پہ بلایا گیا ہم مظلوم لوگ ہیں, ہم افیکٹڈ فیملی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے, ہمیں جہاں پر بھی بلایا گیا ہے ہم وہاں پر گئے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان چیزوں میں کہیں کسی بھی سطح پر سنجیدگی نہیں دکھایا گیا ہے. جس طرح آج ہمارے محترم قسم اٹھا کے بلوچی کال کر رہا ہے کہ میں اس مسئلے کو لے جاؤں گا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. تو ہم یہ امید کریں گے کہ ہم ان کو جو فگر ان کے کیبنٹ کو دیا ہے اس کیبنٹ اس فگر پر وہ کام کرے گا, اور مخلصانہ طور پر ہمیں جلد از جلد اس میں پیش رفت ہمیں دکھائے گا. تو یہ بیٹی کے اپنی لوگوں کے لیے, لیکن
मैं समझता हूँ कि जो हम सियासी लोग हैं वो आके इनके जज्बात से कहते हैं, इनके जज्बा ना हम आपकी तंजीम को कह रहे हैं कि मुलविस है, हम ये कह रहे हैं कि सियासी लोग आके जज्बात से कहते गवर्नमेंट के साथ, शायद गवर्नमेंट ने भी नहीं की होगी, अखबारात हम भी पढ़ते हैं, हम भी देखते रहते हैं, यहाँ से भी कोई ऐसा खुले दिल के साथ एक वो बात नहीं हुई है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम आकर बैठ जाएं एक टेबल पर, मिसिंग पर्सन जिस जिस से आप लोगों के खदशात हैं उनको हम बुलाते हैं कि ये आपके खिलाफ ये बातें हैं, तो हम इन चीज़ों से मसले की हल की तरफ जाएंगे। बाकी दूसरी, यहाँ एक ऐसा माहौल हुआ, आप साफ़ी हजरात आप हमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस सूबे में रहना मुश्किल हो गया था, इस सूबे में ना ही महफूज था, इस सूबे में ना पंजाबी महफूज था, इसमें बस जो सरकारी मुलाजिम है पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता मुलाफिस है, तो रियासत अपनी तहकीकात भी उसमें करती है, रियासत एक्शन में भी आ जाती है, एक्शन और रिएक्शन होते साथ होते हैं, तो उसमें हम सब कोई अपने आप को नहीं कहें कि किसी का कसूर नहीं है। ऐसे लोग हैं कि शायद हमारी ये बहनें इधर बैठी हैं कि हमारी प्यारे नहीं है, ऐसे हैं जो घरों में बैठ के रो रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नाम लेकर मरे हैं, तो इस मसले को इस तरह हम एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम लगाकर मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं करेंगे। मैं कल से ही अपने दोस्तों को दावत देता हूँ, कल से ही मेरा मुझे फ़ख्र होगा कि कल मेरा फर्स्ट वर्किंग डे होगा, तो इसी सिलसिले में हम बैठ जाएं ताकि हमारे सामने सुनी सुनी सुनाई बातें ना आए, और हकाइक जहाँ किसी के हकाइक पर हमको मशकूक होगा किसी इदारे पर, हम उस इदारे से भी सवाल जवाब करेंगे। ये कानून है, एक सूबा एक हुकूमत चल रही है, इस तरह नहीं कि हमारा हर चीज़ आप लोगों को कहेंगे, जो आपकी बातें हैं फिर हम उनको कहेंगे, हम आपके लिए कोई बंदूक तूफक नहीं उठा सकते, हम अपने माशरे कौम को भाइयों को वैसे ही कलम का नसीहत करते हैं कि कलम उठाए, हम आपके लिए जहाँ आप हमने समझा कि आपके साथ गलत हुआ है हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ तआवुन करना पड़ेगा। मेरे साथी ने बहुत सी बातें की, नसरुल्ला ने, मैं अभी भी मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारी हौसला अफजाई की, लापता अफराद के बारे में मैं अभी भी कहता हूँ ईमानदारी से कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है, ना है, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा नेट पे कि बहुत से लोगों ने इस इशू को उठाया था और गलत उठाया था, तो हमने उनकी तरदीद भी की है, और हमारा आज भी वेबसाइट आप देखें या ट्विटर पे देखें कि हमने उनको नहीं माना और न उनका बातों में आ गए हैं, हमारा किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, न हमारी सियासी वाबस्तगी है किसी के साथ। दूसरी बात यह है कि मीर साहब ने कहा कि लोग बाहर गए हैं, आज भी मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जो पहाड़ों पे गए हैं हमारे लिस्ट में उसका किसी का नाम नहीं है, जो भी पहाड़ों पर गया है या कोई बाहर गया है उसका भी हमारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन या BHRO के लिस्ट में उसका नाम कहीं भी नज़र आपको नहीं आएगा, वो जाने उनका काम जाने, हमारा अलहदा एक प्लेटफार्म है, हम उस पर चल रहे हैं और 10 साल से हम लोग एहतजाज करते आ रहे हैं और पुरमन तरीके से, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इतना बड़ा 3000 किलोमीटर मामूली चीज़ नहीं है पंजाब जैसे मुल्क में या सिंध जैसे इलाके में, आज तक हमने ऐसे पुरअमन तरीके से 3000 किलोमीटर लॉन्ग मार्च किया, बल्कि पूरा पाकिस्तान के अरबाब इक्तदार खुश हुए कि मामा किस तरीके से किस डिसिप्लिन से ये लॉन्ग मार्च कर रहा है और उनको ले जा रहा है, तो आज भी हम 10 साल से बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से किसी को शिकायत नहीं हुआ है, ना पुलिस को, ना एजेंसीज को, ना दूसरे किसी को, फिर भी मैं मीर साहब को यकीन दहानी कराता हूँ कि बिल्कुल आप तसल्ली रखें, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, चाहे और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करेगा हम उनके साथ बिल्कुल ताउन करेंगे, लेकिन इस मसले का हल वाहिद यही है कि जब तक हमारे लापता अफराद बाजियाब नहीं हुए हैं उस वक्त हमारा एहतजाज जारी रहेगा।
इंशाल्लाह ताला मीर साहब आपने कल ताउन की बात की थी और आज भी ताउन की बात कर रहे हैं, तो आप किस किस्म के ताउन चाहते हैं? मैं सिर्फ इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहता हूँ। फिर हम मुज़ाकरात तो हमेशा करते रहे, पिछले दिनों भी आपके जो है ना ये जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मीर साहब ये बताएं, आपने कहा कि इदारों की भी आपने बात की है, तो आपके पास क्या इत्तला है, कितने लोग इदारों के पास हैं और कितने पहाड़ों पर हैं? देखें, आपको इस तरह पता है कि मनसब मैंने अभी भी संभाला है। मैं सबसे पहले इधर आया हूँ, फिर मैं इनको इंशाल्लाह बिठा कर, इदारों को बिठा कर सब फैक्ट्स का पता चल जाएगा। हम सब फैक्ट्स लोगों के सामने लाएंगे। मीर साहब, मौजूदा हुकूमत के साबिक वज़ीर दाखला बलूचिस्तान ने ये कहा कि असलम अच्छू जिंदा है और उसका नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी मौजूद है, जबकि मामा और वाइफ को हम ये वादा करना चाहते हैं, तकदीर कर रहे हैं, हम वादा करना चाहते हैं, तजाद है या वो बात गलत? उसकी मैंने जिस तरह आपको कहा कि मैं 25 तारीख को मुझे हुआ है, मेरी पहली डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग कल है, कल मैंने रखा है, तो पहले जिस वज़ीर दाखला साहब ने जो बात की आप उससे वो सवाल पूछे, मैं कल सब डिटेल्स ले लूँगा। आपने सियासत की बात की है, इनके कैंप में सरदार अख्तर जान मेंगल आते रहे, पश्तूनख्वा के लोग आते रहे, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग यहाँ की सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को नहीं कहूँगा कि कोई सियासत कर रहा है। हम उस वक्त जब हमारे नौजवान, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पेश कर रहा हूँ, उस टाइम हमारे नौजवान तालीम हासिल कर रहे थे, खिल रहे थे, उनके जहन जज्बाती थे, उनको हमने ना कलम का नसीहत किया, ना इस पढ़ने की नसीहत की, हम पहाड़ों की नसीहत करते रहे। जब हमने उनको पहाड़ों पर भेज दिया, अभी हम आके इधर बैठते हैं कि भाई इनको लाओ। मैं इसको चाहे जो भी कहें, जो इंसानी हकूक कमीशन ने पिछले हफ्ते या एक हफ्ते विजिट की है और जो लोग पहले से लापता थे वो अपनी जगह में, 10 मजीद उनके पास रजिस्टर्ड हुए हैं, और उन दिनों उसमें आवारान में ऑपरेशन चल रहा था, और उस ऑपरेशन में बकौले रसुल्ला भाई के और दीगर दोस्तों के मजीद लोगों को उठाया गया है। या आप इसकी भी तहकीकत करेंगे? सब चीज़ की तहकीकत जो मेरे बस में होगा, मैं हर चीज़ की तहकीकात करूँगा इंशाल्लाह। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, कोई टाइम फ्रेम वर्क है, कोई अंदाज़ा है किस वक्त तक आप इनको या उनको खुश करेंगे या उनके प्यारे जो है लौट आ सकेंगे, कोई अंदाज़ा है? या आप जाहिर सी बात है आप वज़ीर दाखला है, इंशाल्लाह हर चीज़ में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि इसमें साल ना लगे, महीनों में इंशाल्लाह लो। ये बताइए कि कुछ नौजवान जो हैं वो रिलीज़ भी हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी, सुल्ला भाई ने भी इसकी तस्दीक की है, दीगर सरकारी ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है, आप इसकी ज़रा काइंडली मालूमात कीजिएगा, कितने लोग रिलीज़ हुए हैं और उनका ताल्लुक किन किन इलाकों से? जी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले इधर आया हूँ, इधर इनका मसला सुनने, दो अभी ऑफ डेज थे, मैं दो दिन से बाहर था, कल मैं सब कुछ लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को सब डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मैं इनको बात करने दें। मोहतरम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आके हमारे मसले को आगे लेकर जाने का वादा किया है सबके सामने, मीडिया के सामने। और एक बात ये है कि हम इस बात की भी तर्दीद करते हैं कि जो लोग ईरान और अफगानिस्तान में चले गए हैं, हमारे पास उन लोगों का किसी का लिस्ट नहीं है, ये वही लोग हैं जो मिसिंग हैं और जिनके लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं हमारे पास। जिस तरह एक सहाफ़ी ने अभी सवाल किया कि असलम बलूच को वहाँ पे मारा था और वो मिसिंग पर्सनों के लिस्ट में था, हमारे पास सारे लिस्ट ही मौजूद हैं, हम इन सब को जो लोग चाहते हैं हम उनको दे देते हैं, और जो हमारे पास था हमने असम्बली के कैबिनेट वालों को दिया है, और बाकी देश अभी भी हमारे पास हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो यहाँ पे नहीं है या मुजाहमत में है वो मारे जाते हैं, या किसी इलाके में गए हैं वो मारे जाते हैं, या पहाड़ों पे गए उन पे हमारा कोई मिसिंग पर्सनों के लिस्ट में नहीं है। और ये कि ये बात गलत है कि आप लोग उनको मिसिंग पर्सनों में डाल रहे हैं, अगर वो मिसिंग पर्सनों में होते तो ज़रूर यहाँ पे उनका हम ये तस्दीक कर देते कि वो है,
لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں, نصر اللہ صاحب نے بتایا, ماما نے بتایا کہ نہیں ہے, میں بھی بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی لسٹ نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا ہوا تھا, جب ذاکر مجید کو اٹھایا تھا تو ذاکر مجید کے اوپر یہ بلیم لگاتا کہ وہ پہاڑوں میں گیا ہے یا افغانستان, لیکن اس کے بعد جو لوگ مسنگ تھے پانچ پانچ سالوں سے, چھ چھ سالوں میں, جب وہ رہا ہو گئے, انہوں نے ذاکر مجید نے ان کے ساتھ پیغام بھیجا تھا, تو ان کے پیغام بھی آئے تھے, ہم نے سنے بھی تھے کہ وہ اس نے پیغام بھیجا تھا اپنے امی کے لیے, اس نے تسبیح بھی بھیجا تھا اور اپنے کپڑے بھی اس نے بھیجے تھے. جو لوگ مسنگ تھا وہ پھر بازیاب ہو گئے, لیکن یہ تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا, لیکن پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ مسنگ گئے, ابھی تک مسنگ گئے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ جس طرح ہمارا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, آپ لوگ بھی انسانیت کا وہ درد سمجھ لیں, اور یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان پہ الزام لگائیں کہ یہ لوگ باہر گئے ہیں, افغانستان ایران گئے ہیں, پہاڑوں میں گئے ہیں, نہیں اس طرح نہیں ہے, یہ لوگ مسنگ گئے. اگر یہ مسنگ نہیں ہوتے تو ان سردیوں میں کوئی اپنے گھر چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پہ نہیں بیٹھتے ہوتے اس وقت, کیونکہ ان پہ درد ہے, ان میں یہ ایک پریشانی ہے, گھر میں سارے لوگوں کی اس طرح کی پریشانیاں آتے ہیں کہ کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کے باپ چلے گئے ہیں, کسی کے بھائی ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں, کسی کے بہن ذہنی مریض بن چکے ہیں, لیکن یہ کہ آپ لوگ خدا رہا اس مسئلے کو وہ اس مسئلے سے نہ جوڑیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ مسنگ پرسنوں کا مسئلہ ہے. شکریہ.